नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले सूचना है, विभिन्न मांगों के लिए आज सड़क पर उतरेंगे छात्र। शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, विभिन्न भर्तियों के परिणाम के लिए और विभिन्न भर्तियों की नियुक्ति के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आज प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से लखनऊ के लिए कूच करेंगे। और यहां पर विद्यार्थियों का साथ दिया है आम आदमी पार्टी ने। यहां पर लिखा हुआ प्रयागराज से लखनऊ तक 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक जो भर्तियां लटकी हुई हैं UP SSC की, जैसे लोअर पीसीएस 2019, ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो 2018 जो रद्द की गई थी, 68,569 दरोगा भर्ती, मंडी परिषद डिग्रेड बीएड के जो छात्र हैं उनकी भी बहुत सारी मांगे हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, लेखपाल भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी है, तो विभिन्न भर्तियों को लेकर के आज ये यात्रा निकली। नौजवानों को मुझे लगता है इस मुद्दे पे एक और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसी सब विषय को लेकर कल इलाहाबाद की जो चंद्रशेखर आजाद पार्क है वहां पे सुबह 8 बजे से माननीय सांसद संजय सिंह जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। एक रोजगार गारंटी पदयात्रा शुरू हो रही है जो प्रयागराज से चलते हुए लखनऊ जाएगी और 10 दिन की यह पैदल यात्रा हो रही है। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब अपने घर से निकल के गाँव से निकल के जाते हैं, पहले तो आपके पिताजी ने घर वालों ने 5,000-6,000 रुपए हर माह भेजा, 4-5 साल आपने तैयारी की और आप हर में अब इस समय क्या होता कि आप हर माह जो है लखनऊ जाते हैं 2,000-4,000 रुपए लेकर। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप अपने पर्चे के साथ में, अपने पोस्टर के साथ में जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर आप इस पदयात्रा में शामिल होइए। ये सिर्फ एक पार्टी या किसी व्यक्तिगत नेता की पदयात्रा नहीं है, ये आप तमाम नौजवानों की पदयात्रा है। इस पदयात्रा को आप सबको लीड करना है। आपके जो भी मुद्दे हैं, आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए नौजवान हैं, आप अपना पर्चा पोस्टर लेके आइए। आप दरोगा भर्ती से जुड़े हुए नौजवान हैं, आप अपना पर्चा पोस्टर लेके आइए। आप UP SSC के नौजवान हैं, आप अपना पर्चा पोस्टर ले आइए। यानी आप जो भी नौजवान आप सब हैं जिन भर्तियों की तैयारी करते हैं वो आप अपनी मांगों के साथ इस पैदल यात्रा में शामिल हुई है। मात्र 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा दोपहर तक होगी, उसके बाद फिर दोपहर के बाद 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। यानी हर रोज सिर्फ 20 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा चलेगी और 10 दिन में ये पैदल यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में हम लोग एक तो ये आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र विंग के वंशराज दुबे जी। इस यात्रा को और ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको राजनैतिक बिल्कुल ना समझें और ये चैनल भी राजनैतिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें इस प्रदर्शन में शामिल होने से और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके होने से कम जो रोज़गार का जो एक मुद्दा है वो उभर करके सामने आएगा और जो मीडिया है मीडिया में भी आपके जो मुद्दे हैं वो हाईलाइट होंगे और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसलिए आप सभी को 8 बजे आज आना चाहिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने छात्रों को एक सुविधा दी है। यहाँ पर लिखा है 7 दिनों में अभ्यर्थियों की शिकायत का होगा समाधान। जिन छात्रों ने अभी भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और जिन छात्रों ने अभी भी वीडियो को शेयर ना किया हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर लिखा है कि UPSC नए अध्यक्ष ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट को किया अपडेट। यहाँ लिखा है नीचे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षार्थियों की समस्या को हल करने के लिए वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। परीक्षार्थियों की शिकायतों का समाधान 7 दिन में करने की बात कही गई है। समाधान नहीं होने पर आयोग के अधिकारियों की टीम 15 दिन में परीक्षार्थियों के साथ में जूम अथवा गूगल मीट पर आकर के शंका का निवारण करेगी। कोविड संक्रमण कम होने पर सचिव बुधवार को और अध्यक्ष बृहस्पतिवार को 3 से 4 बजे तक परीक्षार्थियों से मिलेंगे। तो सचिव भी मिलेंगे और जो चेयरमैन है वो भी मिलेंगे। लिखा है कि जो सचिव है वो बुधवार को मिलेंगे और जो अध्यक्ष है वो बृहस्पतिवार को 4 बजे 3 से 4 के बीच में मिलेंगे। नीचे लिखा है कि आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही परीक्षार्थियों की समस्याओं को हल करना प्राथमिकता में रखा है। अध्यक्ष ने आयोग की वेबसाइट को सरल सुगम बनाने का काम किया है और आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करके अपने अनुक्रमांक आधार संख्या के लिए जो जानकारी है वो ले सकेंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा एक मेल दिया हुआ है,
इस मेल पर विद्यार्थी अपनी जो समस्या है वो भेज सकते हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 के समय आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव तकनीक के माध्यम से जवाबदेही के साथ अभ्यर्थियों से जुड़े होंगे। आयोग के अध्यक्ष सचिव से मिलने के लिए परीक्षार्थियों को सप्ताह भर पहले आयोग के पास ईमेल करना होगा। कोविड से बचाव के लिए आयोग ने अपने कर्मचारियों अधिकारियों को अब तक 97% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, तो ये एक सुविधा छात्रों को मिलेगी। वो अपनी जो बात है वो लोक सेवा आयोग से कह सकेंगे और जो प्रश्न है वो पूछ सकेंगे। अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने बुधवार को जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2020 की टीयर 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में सिविल इंजीनियरिंग में 3826 और इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1885 अभ्यर्थी टीयर 2 के लिए सफल हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती का विज्ञापन आया था, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाए थे, वेबसाइट क्रैश हो गई थी, ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और उसके बाद में इन अभ्यर्थियों को फिर दोबारा मौका दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक विज्ञापन संख्या 50 के तहत ये विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या लगभग 2002 है। एक और सूचना है बहुप्रतीक्षित पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती। इसमें बदलाव किया गया है इसकी योग्यता को लेकर के और इसीलिए ये भर्ती अभी तक आई नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि बीटेक में फर्स्ट डिवीजन वाले ही पॉलिटेक्निक में अब बनेंगे लेक्चरर। AICTE की नियमावली को शासन ने कर दिया है लागू। बीटेक में प्रथम श्रेणी प्राप्त होने वाले ही अब पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर बन सकेंगे। अभी तक सिर्फ बीटेक में पास होना जरूरी था। इस बार भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो बीटेक बीआर या किसी अन्य तकनीकी स्नातक स्तर की पढ़ाई में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों। चूँकि उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक संस्थान है वहाँ पर एक बड़ी भर्ती होने वाली है और पॉलिटेक्निक जो विद्यालय होते हैं वहाँ का बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल भी अध्यापक नहीं है। कभी रिटायर्ड अध्यापकों को ढूंढा जाता है, कभी संविदा अध्यापकों को ढूंढा जाता है। लिखा AICTE ने हाल ही में पॉलिटेक्निक संस्थानों का मूल्यांकन किया था जिसमें शिक्षकों की कमी पाई गई थी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि लेक्चर के 1357 पदों के प्रस्तावित अनुमोदन को शासन को भेज दिया गया है। आयोग जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। संघ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है और ये परीक्षा EPFO 2021। पहले ये जो परीक्षा है वो 9 मई को होनी थी और अब ये परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि UPSC की प्रवर्तन अधिकारी लेखा अधिकारी परीक्षा अब 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आजकल जो लखनऊ है वो पूरा धरना शहर बन गया है। विद्यार्थी आए दिन वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं विद्यार्थियों की और विद्यार्थी आजीज आ चुके हैं। 4 साल से सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे नाराज हो गए हैं और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के विद्यार्थी ने बहुत सारे आरोप लगाए सरकार पर कि बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी माना है कि आरक्षण में कहीं ना कहीं सरकार से बड़ी चूक हुई है। इसी के लिए विद्यार्थी कल गए थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर और वहीं पर इन विद्यार्थियों के साथ में धक्का मुक्की हुई है। लिखा है शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को कालिदास मार्ग के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंच गए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया तो वे वहीं पर लेट गए और तब पुलिस ने लाठियां फटकार कर सभी को खदेड़ दिया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस के आते ही जितने भी विद्यार्थी हैं ये सभी लेट गए थे वहां पर। यहाँ पर ये विद्यार्थी लेटे हुए हैं और पुलिस इनको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही थी। वहीं पर विद्यार्थियों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी तेज कर दी है। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है जिनको नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाए। अगली सूचना है नई LT ग्रेड भर्ती में हो सकते हैं इतने पद। चूंकि स्थानांतरण हो रहा है GIC के अध्यापकों का और उसमें ये बात निकल करके आई है कि जो लेक्चर के जो पद हैं वो कितने खाली हैं और जो LT के पद हैं वो कितने पद खाली हैं। चूँकि जो पुरानी LT है वही अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाई है,
हिंदी और जो सोशल हैं वो उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जब तक नई एलटी ग्रेड तब तक नहीं आएगी जब तक कि पुरानी एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है ये पूरी नहीं हो जाती है। शासन ने इसके लिए पहले ही अनुमति दे दी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई एक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। ये देखिए आज ही का समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ है राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 5000 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 2294 यानी कि 1108 बालक और 1186 बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 5000 से अधिक पद रिक्त हैं। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के ऑनलाइन तबादले के लिए वेबसाइट पर दी गई रिक्तियों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। वेबसाइट पर कुल 10,309 रिक्त पदों की सूचना है। इनमें से सहायक अध्यापक के 4800 से अधिक और प्रवक्ता के 5400 से अधिक पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के 1851 और हिंदी के 1432 पदों पर चयन की कार्रवाई गतिमान है। इस लिहाज से सहायक अध्यापकों के 1500 से अधिक पद रिक्त हैं और वहीं प्रवक्ता के 5400 से अधिक रिक्त पदों में से 1473 पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापित कर चुका है जिसके लिए आवेदन करने वाले लगभग 5,00,000 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 19 सितंबर को होनी है। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की मांग उठने लगी है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2018 में सहायक अध्यापकों के 10,768 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी जिनमें से बड़ी संख्या में पद भरे नहीं जा सके। सामाजिक विज्ञान और हिंदी के भी सैकड़ों पद खाली रह जाएंगे। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग को जल्द नई भर्ती शुरू करनी चाहिए ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं को अवसर मिल सके। अगली और अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की कोर्ट अपडेट की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जो सुनवाई होनी थी उम्र सीमा को लेकर के 29 जून को ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है और उसके लिए अब अगली डेट दे दी गई है। लेकिन विद्यार्थी कुछ बाहरी प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह उन्होंने भी एक पत्र लिखा है विद्यार्थियों की तरफ से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संजय सिंह राज्यसभा सांसद और नीचे यहाँ पर लिखा है इस पत्र में कि राज्य में दरोगा भर्ती से संबंधित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित। नीचे लिखा महोदय मेरे संज्ञान में लाया गया कि राज्य की पुलिस में दरोगा भर्ती संबंधित एक आदेश माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जून 2021 को पारित किया गया है। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की है जो 1 जुलाई 2018 को उपरोक्त दरोगा भर्ती के मानकों को संतुष्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को संज्ञान में लेते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दरोगा भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाए ताकि इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की तरफ से कि जितने भी विद्यार्थी वंचित हैं जो याची नहीं है सबको ये छूट प्रदान की जाए और सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकें। तो ठीक है दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए चाहेंगे कि खासकर जो बेसिक शिक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर है और आपके साथ ही आपके लिए इतना संघर्षरत है तो आप सब भी इस 5 जुलाई को देख लें। और ये तारीख हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इनका साथ दें और लखनऊ चले। इसमें हम सब आपके साथ हैं और आप लोगों के सबके साथ है कि सरकार अपनी चुनाव के लिए जितना चिंतित है उतना ही हम आपके रोजगार के लिए और हमारे करियर के लिए भी चिंतित होनी चाहिए।